हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमृतसरी छोले बनाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें चाहिए भीगे हुए चने जो मैंने रात भर भिगो कर रखे थे। ये देखिए अच्छी तरह से फूल चुके हैं। और इसके लिए नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, रंग देने के लिए देगी मिर्च, ये है धनिया पाउडर, सूखी मेथी और अमचूर्ण पाउडर। इसके लिए कुछ खड़े मसाले चाहिए। एक मैंने बड़ी इलायची ली है और जीरा लिया है, दो लौंग लिए हैं और जो काली मिर्च ली है मैंने वो पीसी हुई थोड़ी ली है। इसके लिए आपको चाहिए सूखा पत्ता एक, प्याज और कुछ कलियां, लहसुन की ली है, ये तड़के के लिए हम यूज करेंगे। चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चने को उबाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चने डाल दिए हैं उबलने के लिए कुकर में और थोड़ा सा पानी, हम एक कप के करीब पानी और डालेंगे। ये देखिए एक बड़ा कप है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। चने जो हैं अच्छी तरह से बीच में भीग जाने चाहिए। और इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च अपने जितना तीखा आप पसंद करते हैं। थोड़ी सी इसमें हम देगी मिर्च डालेंगे, इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। देगी मिर्च से काफी अच्छा रंग आता है, उसे डालेंगे हम। ये तीन मसाले डालकर हमने कुकर को बंद कर देना है। एक सीटी आने के बाद हमने 15 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाना है। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे चने जो हैं, ये दबाकर देखिए, ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम कढ़ाई को रख देते हैं तेल डालकर गर्म होने के लिए। ये देखिए हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में। ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच तेल डाला है हमें और इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तेज पत्ता और इलायची, जीरा साबुत जीरा है ये, दो लौंग डालेंगे और काली मिर्च पाउडर। इसको थोड़ा सा, ये देखिए, पकने देंगे। क्रैकल होने पर हम इसमें प्याज और लहसुन की हमने पेस्ट बना ली है, ये देखिए इसको डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि जो हमारा तड़का है अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने चने जो उबाले हैं उसमें भी नमक डाला था। अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसको हम पकने देंगे। आप इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। फ्रेंड्स, हमारा जो तड़का है तैयार हो गया है। इसमें हम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे हम
ये है धनिया पाउडर आधा चम्मच, अमचूर्ण पाउडर ये भी आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा ज्यादा डालिए, इसमें खटास अच्छी लगती है। थोड़ी सी हम इसमें मेथी डालेंगे, सूखी मेथी, इसको हिला देंगे अच्छी तरह से। मसाले डालकर इसको, इसका थोड़ा सा कलर जो है ना ब्लैक लगता है, ब्राउन में शेड आ जाती है, क्योंकि इसमें हमने अमचूर्ण पाउडर डाला था। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे आधा चम्मच। अब इसको थोड़ा सा भूनकर इसमें हम अब ऐड करेंगे जो जो हमने उबाल कर चने रखे हैं। हम पानी नहीं उसका डालेंगे, हम चने डालेंगे थोड़े से इसमें, ये देखिए ऐसे डालकर हमने इसको क्रश कर देना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दबाकर। क्रश करते जाएं इसको, ये देखिए ऐसे क्रश कर दिया। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे, अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए इससे ये है कि आपको अरारोट या कोई और चीज डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ सुथरे आपका पकेगा। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम बाकी के जो चने हैं इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक तेज आंच पर पकने देंगे, और बाद में हम ये तेज पत्ता और ये जो हमारी इलायची है इसको निकाल देंगे, जब इसमें अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाएगा तब। अब हम इसको पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं अपने चने पके हैं कि कैसे बने हैं। ये देखिए बिल्कुल सही, ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं ये, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल देंगे।